तो नेक्स्ट केस इज़ रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट डिटामिनेशन आफ्टर डिस्कसिंगट एज फॉरन एक्सचेंज स्वेप्स एक जो प्राइमरी इशू आ रहा था स्पॉट और फॉरवर्ड रेड के अंदर या आप ये कह सकते हैं दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पॉट ट्रेड एंड फॉरवर्ड रेड नॉर्मली होता क्या है कि इन्वेस्टर्स को एंड बिजनेस कम्यूनिटी के लोगों को एंड खास तौर पर जो बैंकिंग uh, सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं और इंटरेस्टिंगली बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स आई वुड लव टू शेयर आ इंफॉर्मेशन के आपके पास यू एस के अंदर जितनी भी बैंक्स के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं जिन्हें नॉर्मली इंटर बैंक कहा जाता है उसमें से एक मेजर हिस्सा या एक मेजर वे जो है थ्रू विच ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस एज़ फॉरन करेंसी स्वैप्स अब इसको समझते हैं कि ये आइडिया क्या है और ये किस तरीके से काम करता है सपोज़ ये जब हम लोग स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे थे तो ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने बोला था इन टू बिज़नेस डेज स्पॉट रेट और जब आप एक फॉर अ स्पेसिफ़िक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रांजेक्शन आपकी होती हैं नॉर्मली थ्री मंथ्स का नाम लिया था हम लोगों ने तो वो था फॉवर्ड रेट अब इसके अंदर ये होता है कि सपोज़ uh, हम क्योंकि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा इस मॉड्यूल के के मोस्टली इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो थ्रू स्वैप रेट्स की होती हैं तो इसमें सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं एक यूएस का एक बैंक है जिसे हम कहते हैं सिटी बैंक उसको सपोज़ एक डिपॉजिट रिसीव होता है या किसी भी फॉर्म के अंदर उसके पास सपोज़ वन मिलियन डॉलर आते हैं और इसकी जो रिटर्न है या जो ये जो वन मिलियन डॉलर उसके पास डिपॉज़िट आया है सिटी बैंक ने इसको आफ्टर थ्री मंथ्स जो है वो सपोज uh, वापस करना है अब उसके अंदर नॉर्मली uh, जैसे कॉन्सेप्ट है बेसिक आइडियाज़ रिलेटेड टू बैंक के वो फाइनेंशियल इंटरमीडरीज होते हैं उनका काम सेविंग uh, डिपॉजिट्स लेना है या डिपॉजिट लेके एंड देन उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी है एंड एट द सेम टाइम वो जब टाइम डिपॉज़िट्स उनके पास आते हैं तो कुछ पैसे उनके ऊपर अर्न करना चाहते हैं फॉर दैट रीज़न्स वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और सपोज़ यही हम ये यह ज्यूम करते हैं इस एग्ज़ैम्पल में कि सिटी बैंक जो है वो सपोज़ इन्वेस्ट करना चाहता है इन यूरोस वो यूरो करेंसी को ख़रीदना चाहता है एंड देन अल्टीमेटली आफ्टर थ्री मंथ्स वो यूरो करेंसी को सेल करेगा और फिर वापस उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा और अपने जहाँ से जिसने डिपॉज़िट करवाया उसको वापस करेगा अब यहाँ पे आ, दो फॉर्म के अंदर ट्रांजेक्शन्स होंगी पहली ये कि जब वो जब एट द टाइम ऑफ डिपॉज़िट्स उसके पास जब पैसे आए डॉलर्स की फॉर्म के अंदर तो उसने स्पॉट रेट के ऊपर यूरो खरीदा एंड देन उस को ख़रीदने के बाद उसने फॉरवर्ड रेट पे उसको डॉलर्स के साथ एक्सचेंज किया और आफ्टर थ्री मंथ्स उसके पास यूरो की बजाय डॉलर्स आ गए अब इस केस के अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि के बजाय इसके कि हम टू टाइम ट्रांजेक्शन्स करें हम इसको कंबाइन कर लेते हैं और ये फैसिलिटी देता है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स वो क्या करता है कि आपके पास जो कंबाइन करता है स्पॉट सेल को और फॉरेन uh, करेंसी की और फॉरवर्ड री परचेज ऑफ सेम करेंसी उसको एक ही ट्रांजेक्शन में ले आता है इसमें होगा क्या कि आप डॉलर्स uh, के डिपॉजिट लेते हैं एंड देन उसको फॉरेन करेंसी स्वेप्स के साथ आफ्टर थ्री मंथ्स इन योर इन्वेस्ट भी कर लेते हैं एंड देन आफ्टर थ्री मंथ्स अपनी पेमेंट भी ले लेते हैं वापस इन द फॉर्म ऑफ डॉलर तो नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन्स हैं इंटर बैंक वो इसी जो है वो मेथड के थ्रू या फॉरेन करेंसी स्वैप्स के थ्रू आपके पास होती हैं अब इसके अंदर एक टर्म है स्वैप uh, रेट वो है डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स इन द करेंसी स्वैप कि आपको करंट रेट क्या मिल रहा है पोस्ट एंड देन स्पॉट रेट के साथ आपके पास जो फॉरवर्ड uh, जो रेट है उसमें जो डिफरेंस होगा वो जो होगा उसको कहेंगे स्वैप रेट ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब डिफरेंस uh, की हमने बात की थी फॉरवर्ड रेट के अंदर भी यहाँ पे भी सेम मेकनिज़म के थ्रू आपके पास ऑपरेशन होगा कि अगर आप डॉलर के यूरो के साथ रेट देखें और फ्यूचर के साथ फॉरवर्ड रेट आपको क्या मिलता है वो भी उसी तरीके से ऑपरेट करेगा और ये एक जैसे पहले बात की ये एक हेल्दी फॉर्म ऑफ ट्रांज़ेक्शन्स है जहाँ पे बैंक्स के पास दो टू वे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाते हैं जैसे हम लोगों ने पहले बात किया कि उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा या परचेज करने पड़ेंगे यूरोस डॉलर के अगेंस्ट एंड देन फिर आफ्टर सम टाइम्स यू कैन से थ्री मंथ्स उसको रीपरचेज करने पड़ेंगे डॉलर्स तो दो ट्रांज़ेक्शन्स के जो कॉस्ट हैं वो उसके बच जाएंगे एंड वो सिर्फ़ एक ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट देगा उसको हम आ, उस आइडिया के लिए जिसको हम स्वैप की बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी स्वैप या फॉरेन एक्सचेंज स्वैप उसके साथ वो जस्ट सिंगल ट्रांजेक्शन के साथ अपने वो ऑब्जेक्टिव्स या वो जो मकासद थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ले लेगा यहाँ पर